सो है गाइस, कैसे हो? आई थिंक आप सुना अच्छे होंगे। फिर से नई लूट वीडियो में स्वागत है गाइस। आज आप लोगों के लिए ऐसे खतरनाक एप्लीकेशन लेके आ चुका हूं जहां पर आप लोगों को साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करते देन 200 रुपीस का प्रॉफिट, इंस्टेंट 200 रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर एक बिग रेफरान का भी प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर आप लोग को पर रेफर में 300 रुपीस का प्रॉफिट होगा। जी हाँ गाइस, साइन अप करते ही आप लोग को 200 रुपीस का प्रॉफिट, पर रेफर में आप लोग को 300 रुपीस का प्रॉफिट, वो भी अनलिमिटेड के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देख लेना आप लोगों को इसमें कैसे प्रोसेस को कंप्लीट, कैसे आप लोगों को यहाँ पर अनलिमिटेड ट्रिक करके पैसा को अर्न करना है। ठीक है, तो गाइस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो फटाक से जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो गाइस सर्च बार में आ जाना, आने के बाद एल कैपिटल में लिखना LIFE, उसके बाद स्पेस देना, टी कैपिटल में लिखना, उसके बाद TRICK। ठीक है, हमारे जो चैनल ऊपर में आ जाएगा देन ज्वाइन कर लेना। जैसे ज्वाइन करोगे आप लोगों को कोई अगर लूट आते लिमिटेड टाइम के लिए लूट आते, कोई भी कैंपेन आते, कोई भी गिवअवे अनाउंसमेंट करते हैं, सारे के सारे आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। तो मास्टर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करो तो चैनल को मास्टर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल करके रखना हर लूट वीडियो को सबसे पहले लूटने के लिए और सबसे पहले देखने के लिए। तो मेरे भाई एप्लीकेशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस का। आप लोग क्या करना है, सिंपली से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद ओपन वाले सेक्शन में क्लिक करना। तो क्या जैसे ओपन वाले सेक्शन में क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस का। आप लोग क्या करना, एग्री वाले सेक्शन में क्लिक करना, देन गाइस कंटिन्यू विद पेटीएम लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। जैसे आप लोगों के एप्लीकेशन के अंदर घुस जाओगे एप्लीकेशन फुल्ली ओपन हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है। इस जो डीमैट अकाउंट है गाइस बिल्कुल फ्री है, एनुअल कोई भी एनुअल मेंटेनेंस कोई भी चार्ज नहीं है, आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, हिडन चार्ज नहीं है। आप लोग क्या करना, जब तक इस एप्लीकेशन के अंदर रेफरन प्रोग्राम चल रहा है तब तक यूज़ करना। जैसे रेफरन का प्रोग्राम खत्म हो जाता है आप लोग क्या करना, इस डीमैट अकाउंट को क्लोज कर लेना। ठीक है, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा कैसे डीमैट अकाउंट को क्लोज करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कैसे आप लोगों को रेफर अर्न के प्रोग्राम में फ़ायदा लेना है, कैसे आप लोगों को पैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है सारी जानकारी दूंगा। और इस अकाउंट को कैसे डीएक्टिवेट करना है या क्लोज करना है मैं बाद में आप लोगों को टेलीग्राम में या वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो कैसे आप लोग क्या करना है, जैसे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा आप लोग क्या करना, ओपन फ्री डीमैट अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस का, आप लोगों को यहाँ पर चार संख्या का एक कोड पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर पासवर्ड दे देना, चार संख्या का पासवर्ड दे देना, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड देकर प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, आप लोग क्या करना, चेक स्टेटस वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे चेक स्टेटस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने फिर से इस तरह इंटरफेस आएगा, माई ओपन माई अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। ओपन माई अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग को इस सेम पेज आ जाएगा गाइस, यहाँ पर कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन में आ जाना। ठीक है, केवाईसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना, कंप्लीट केवाईसी वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर आप लोगों को पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। ठीक है, तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना, उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन में क्लिक करना, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, आपका जो पैन कार्ड वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस फॉर केवाईसी वाले ऑप्शन में क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को नाम दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को फादर नेम डाल देना, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर आप लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा, ऑथेंटिकेशन फॉर आधार। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एग्री वाले ऑप्शन में क्लिक करके ऑथेंटिकेशन आधार वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जब आप लोगों के सामने आधार नंबर पूछा जाएगा, जो आधार का नंबर है आपका वो आधार नंबर डाल देना। डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर में जाएगा ओटीपी को फिलअप करना। फिलअप करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना। आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, तब आपके पास ओटीपी जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे उसके बाद अलाउ पूछा जाएगा, तो परमिशन दे देना, अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद गाइस यहाँ पर देख सकते हो केवाईसी प्रोसेस। ठीक है, केवाईसी जैसे प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा अवॉइड करना, आप लोग तुरंत इंस्टेंट बैक नहीं करना, थोड़ा सा अवॉइड करना। अवॉइड करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा इंस्टेंट केवाईसी। ठीक है, इंस्टेंट केवाईसी का आएगा। जैसे इंस्टेंट केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है तो आप लोग क्या करना, कोई भी छेड़खानी करने का जरूरत नहीं। ऐड प्रोफेशन वाले जो ऑप्शन दिख रहा है ना, प्रोफेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना। ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे आपका प्रोफेशन पूछा जाएगा, आप स्टूडेंट हो या पर्सनल बिजनेस करते हो या सरकारी जॉब करते हो, आप लोग टिक कर लेना। उसके बाद सब वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे सब वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे
क्लिक करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस का केवाईसी डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स इंस्टेंट जो केवाईसी डिटेल्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल जो केवाईसी डिटेल्स वो पेंडिंग में रहेगा। तो आप लोग क्या करना, पर्सनल केवाईसी डिटेल्स का जो एरो दिख रहा है ना वहाँ पर आप लोग टैप करना। जैसे टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस का आप लोगों के सामने आपका डिटेल्स मांगा जाएगा, पर्सनल जो डिटेल्स है वो मांगा जाएगा। गाइस यहाँ पर देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को टैप करना। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर आपका पिक्चर मांगा जाएगा। तो पिक्चर क्या है, आप लोगों को इसी तरह एक पिक्चर खींचना है, उसके नीचे आप लोगों को सिग्नेचर मांगा जाएगा। तो सिग्नेचर आप लोग क्या करना, व्हाइट पेपर में लिखना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पिक्चर में कार्ड लिखा है ना, जैसे पिक्चर में जाके कार्ड लिखा है उसी तरह नीचे देखो सिग्नेचर में कार्ड है, ठीक है। उसी तरह आप लोग को सेम टू सेम पिक्चर खींचना, सेम टू सेम आप लोग क्या करना सिग्नेचर लेना, लेने के बाद सबमिट करना। सबमिट जैसे करेंगे गाइस आप लोगों को सेव का ऑप्शन आएगा, सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करना। पिक्चर का नीचे आप लोगों को सेव रहेगा, सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करना, देन यहाँ पर टिक आ जाएगा। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसका नीचे सेव रहेगा, वहाँ पर सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फिर से टिक आ जाएगा। उसके बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना, जैसे प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा आपका एनुअल इनकम मांगा जाएगा। तो आप लोग कोई भी एनुअल इनकम सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एग्री वाले ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों को यहाँ पर बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बैंक उसी का ऐड करना जिसके आईडी से आप लोग केवाईसी कर रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई भी बैंक है वही भी चलेगा, जो भी आपके पास बैंक है सभी बैंक यहाँ पर चलने वाला है, पेटीएम से लेकर एयरटेल तक कोई भी फिजिकल बैंक भी चलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, सबसे पहले जो बैंक का आईएफएससी कोड है वो डाल देना। जैसे डालेंगे आपका बैंक का जो डिटेल्स वो ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना, बैंक का जो अकाउंट नंबर वो डाल देना। उसके बाद री अकाउंट नंबर डाल देना, मतलब कॉन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना। उसके बाद सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट वो सिलेक्ट करना। उसके बाद वेरीफाई बैंक वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे सामने इस तरह इंटरफेस आएगा, वेरीफाइड बैंक अकाउंट आपका अकाउंट में ₹1 कंपनी की तरफ से भेज दिया जाएगा। तो नीचे प्रोसेस का ऑप्शन है, प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना। देन आप लोगों के सामने एडिशनल डिटेल्स का पेंडिंग रहेगा। तो आप लोग क्या करना, एडिशनल जो डिटेल्स है उसमें आप लोग क्लिक करना। जैसे एडिशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर कॉन्फर्म का ऑप्शन आएगा। कहीं भी आप लोगों को टिक करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग कॉन्फर्म करना। जैसे कॉन्फर्म करोगे तो आप लोगों को यहाँ, तो अगर इन्वेस्ट कभी भी किए हो तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना। मैं जीरो में सिलेक्ट कर रहा हूँ, कभी भी इन्वेस्ट नहीं किया, तो जीरो ईयर मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करना, देन प्रोसेस्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना। आपको साइन यूजिंग आधार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पेंडिंग लिखा है साइन यूजिंग आधार में। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग टैप करना। टैप करने के बाद अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, अलाउ कर देना। देन एग्री वाले जो ऑप्शन है वहाँ पर टिक लगा देना, एग्री वाले आई हैव रीड वाले ऑप्शन में टिक लगाना। उसके बाद प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक करना, जो कि फिर से आप लोगों को आधार कार्ड का नंबर मांगा जाएगा, तो आधार कार्ड का नंबर डाल देना। उसके बाद कैसे यहाँ पर आप लोगों को एग्री करना। उसके बाद सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे फिर से आप लोगों के सामने आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी आएगा। तो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें ओटीपी आएगा, ओटीपी को लेकर यहाँ पर फिलअप करना। उसके बाद जैसे वेरीफाइड ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो गाइस क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन के अंदर आप लोग रिडायरेक्ट हो जाओगी, मतलब इस तरह आप लोगों के सामने एप्लीकेशन आ जाएगा। थोड़ा सा इधर पेंडिंग उधर पेंडिंग शो होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो मेरा सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेटिंग में आप लोग अभी तक पेंडिंग में है। अगर आप लोग केवाईसी नहीं होता तो रेफरान का भी प्रोग्राम में जाना, वहाँ पर भी पेंडिंग शो होगा। तो आप लोगों को सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा। देखो यार, जैसे आपका एप्लीकेशन के अंदर केवाईसी डन हो जाता है, आप लोग क्या करना, जो हाई का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, हाई जहाँ पर लिखा है वहाँ पर टैप करना। आप लोगों को जो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है ना, ये 3 ऑप्शन ग्रीन टिक आ जाएगा, तो समझ लेना आपका जो केवाईसी वो डन हो चुका है। उसके बाद यहाँ स्टार्ट का जो ऑप्शन था वहाँ पर स्टार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर जो ₹200 आप लोगों को साइन अप बोनस लेना है, उसके लिए आप लोग एक छोटा सा ट्रेड कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब ₹10 का एक ट्रेड कंप्लीट करना पड़ेगा। ₹10 से एक शेयर बाई करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा। तो कैसे आप लोगों को ₹10 का जो शेयर वो बाई और सेल करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना, जो स्टार्ट इन्वेस्टिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आप लोग टैप करना। यहाँ पर जैसे टैप करेंगे आपका पिन मांगा जाएगा, तो पिन आपका डाल देना। उसके बाद यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते। उसके बाद गाइस यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आ जाओगे। आने के बाद गाइस यहाँ आप लोगों को नीचे दिखने अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा नीचे तरफ, ठीक है। तो अकाउंट वाले सेक्शन में क्लिक करना, देन गाइस यहाँ पर एड मनी का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे अमाउंट डाला हुआ है, तो यहाँ पर काट कर लेना। देन गाइस ₹50 से एड मनी कर लेना, क्योंकि मिनिमम जो एड मनी वो ₹50 है। आप लोगों को शेयर बाई करना है ₹10 का, तो ₹50 से एड मनी कर लेना। आप लोगों को ₹1 लुक्स का नहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो ₹50 डाल दिया। उसके बाद एड मनी वाले जो सेक्शन यहाँ पर क्लिक करना, देन नीचे प्रोसेस का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना। देन गाइस आप लोग किसी भी मेथड से यहाँ पर पे कर देना, तो मैं पेटीएम को सिलेक्ट कर लाता हूँ, उससे पे कर देता हूँ, ठीक है।
तो जैसे पेमेंट डन कर दोगे ऊपर आप लोगों को सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पर दिख सकता हूँ ऊपर में आप लोगों को 50 रुपीज दिख जाएगा। नीचे की तरह आप लोग दिख लेना एक वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर आप लोग को टैप करना। टैप करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, एक शेयर को बाय सेल करना है। इसके लिए यहाँ पर ऐड स्टॉक का जो ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड स्टॉक वाले ऑप्शन में क्लिक करना। देन गाइस यहाँ पर आइडिया सर्च कर लेना, ठीक है। तो आइडिया में सर्च कर लाता हूँ, आइडिया सर्च कर लिया तो गाइस यहाँ पर वोडाफोन आइडिया आ गया। यहाँ पर आप लोग को टैप करना, यहाँ पर आप लोगों को 9 रुपीज़ का एक शेयर दिख जाएगा, देख सकते हो ये 9 रुपीज़ का शेयर है। तो आप लोग क्या करना, बाई वाले ऑप्शन में टैप करना। जैसे बाई वाले ऑप्शन में टैप करोगे जैसे यहाँ पर स्वाइप का ऑप्शन आ जाएगा, तो स्वाइप कर लेना। जैसे स्वाइप करेंगे आपका जो शेयर वो बाय हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कैसे यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुल बाय हो चुका है। अभी क्या करना, थोड़ा सा बैग आ जाना। बैग आने के बाद अभी जो शेयर आपने बाय किया उसको इंस्टेंट आप लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए या क्लोज करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का जो ऑप्शन दिख जाएगा पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में क्लिक करना। देन गाइस यहाँ पर आप लोगों को 2 नंबर ऑप्शन दिख जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे क्लिक करेंगे आपने जो बाय किया शेयर, वो जो शेयर बाय किया इसमें आप लोग टैप करना। टैप करने के बाद गाइस एग्जिट का जो ऑप्शन दिख जाएगा, तो एग्जिट वाले ऑप्शन में टैप करना। जैसे एग्जिट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे स्वाइप टू सेल आ जाएगा, तो स्वाइप टू सेल वाले ऑप्शन में क्लिक करना। इंस्टेंट की इंस्टेंट आपका जो ऑर्डर था वो एग्जिट हो चुका है, मतलब सेल हो चुका है। तो अभी अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ 0.7 पैसा मेरा लॉस है। अभी आप चाहो तो इस पैसा को उड्डल लगा सकते हो, तो उड्डल अभी लगाना नहीं। आप लोगों को जो साइनअप का पैसा वो कैसे लेना वो देख लेते हो। गाइस बैग आ जाते हैं, जैसे बैग आएंगे हाई का एक सेक्शन दिख जाएगा, हाई वाले सेक्शन में क्लिक करना, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पर आप लोगों को रेफरान का सेक्शन दिख जाएगा, रेफरान वाले सेक्शन में क्लिक करना। जैसे 200 रुपये से मिलने वाला था वो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद स्क्रैच करना, गाइस यहाँ पर देख सकते हो रिवार्ड आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 3 रिवार्ड है मेरे पास अभी 150 रुपये से फिलहाल। उसके बाद जो फास्ट मैक डिपोजिट वाले जो रिवार्ड है अभी तक अनलॉक नहीं हुआ, वो भी अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर रिवार्ड वाले व्यू रिवार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना। देन स्क्रैच करना, आप लोगों को अप टू 50 रुपीज़ का यहाँ पर स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा। 4 आप लोगों को रिवार्ड दिया गया, 4 रिवार्ड को स्क्रैच करना। आप लोगों को अप टू 200 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। कभी कभी बेटर लक भी मिलता है, लेकिन सारे में नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग अगर रेफ़र करते हो गाइस, अगर आप लोग रेफ़र करते हो किसी बंदे को, तो फ्लैट आप लोगों को 300 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो एक रेफ़र में आप लोगों को 300 रुपीज़ का कैशबैक। बहुत बढ़िया मौका है रेफ़र आन का प्रोग्राम से पैसा कमाने का, ठीक है। अगर एक बंदे को रेफ़र करो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। बस मेरा एक ओला आईडी है, उसमें कुछ रेफ़र मैंने किया था, बाईपास किया था, उस आईडी में चलते हैं। उसमें कुछ स्क्रैच कार्ड है, उसको मैं आप लोगों के सामने स्क्रैच करके दिखा देता हूँ। जो ओल्ड आईडी है मेरा आईडी में आ चुका, गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक बंदे को रेफर किया 300 मिला। उसके बाद फिर एक बंदे को रेफर किया, फिर से 300 मिला। गाइस इसी तरह मैं 6 से 7 बंदे को रेफर किया, 6 से 7 जो कार्ड मेरे अनलॉक हो चुका है। 300 रुपीज़ के पर कार्ड में मिल रहा है, ठीक है। मतलब पर रेफर में 300 रुपीज़ करके मिल रहा है। जो रेफर का जो पैसा वो आप लोग को फ्लैट 300 रुपीज़ का मिल जाएगा, कोई भी डिस्काउंट नहीं है। और आप लोग को जो पैसा मिलेगा इंस्टेंट आप लोग बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। उड्डल वाले सेक्शन में क्लिक करना, देन इंस्टेंट बैंक में ट्रांसफर करना। गाइस आप लोगों के सामने लाइव मैंने रेफर का भी पैसा कैसे लेना है और कैसे स्क्रैच करना है सारे कुछ दिखाई दिया। उसके साथ गैस अभी तक आप लोग इस एप्लीकेशन में अनजान हो तो जाओ वीडियो को देखो लास्ट तक। एंड गैस आप लोग क्या करना, साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना एंड रेफर करना शुरू करना। गाइस आप लोग जिस कोई भी रखे एक बंदे को रेफर करते हो, अगर कोई एक बंदे को अगर रेफर करते हो आप लोग को 300 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। 2 बंदे करते हो तो 600 रुपीज़, अगर 10 बंदे को रेफर कर दिया तो आप लोग को 3000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जाओ, बहुत बढ़िया लूट है, कोई भी बंदा मिस मत करना, रेफर से पैसा कमाओ, ठीक है। और गाइस कोई अगर प्रॉब्लम आते हैं, दिक्कत आते हैं, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना टेलीग्राम में आके, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दे दूंगा। तो गाइस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ऐसे एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।